आम आदमी पार्टी के विधायक दुर्गेश पाठक ने आज प्रेस वार्ता को संबोधित किया। इस अवसर पर उन्होंने जानकारी देते हुए कहा कि एमसीडी के द्वारा दवाओं के छिड़काव की व्यवस्था ही नहीं की गई और दवाओं की खरीद के लिए टेंडर जारी नहीं किया गया। उन्होंने केंद्र सरकार से तत्काल प्रभाव से इस संबंध में कार्य करने की मांग की और साथ ही दावा किया कि अगर समय रहते कार्य नहीं किया गया तो दिल्ली में डेंगू की 2014 जैसी गंभीर स्थिति हो सकती है। पिछले 5-6 सालों में अरविंद केजरीवाल जी की सरकार की एक जो सबसे बड़ी उपलब्धि थी वो ये था कि दिल्ली के अंदर डेंगी, चिकनगुनिया इस तरह की बीमारियों को कंट्रोल किया गया। इस तरह के बीमारियों को लगभग लगभग ख़त्म किया गया। आपको ध्यान होगा 2015, 2014, 2013 के अंदर टीवी पे हेडलाइन चलती थी कि दिल्ली में डेंगू से इतने लोगों की मौत, दिल्ली में डेंगू चिकनगुनिया से इतने मरीज, अस्पताल भरे हुए। लेकिन अरविंद केजरीवाल जी की सरकार ने, उनकी पूरी टीम ने ज़बरदस्त तरीके से काम किया और आज जब हम जुलाई और अगस्त के महीने में हैं, लगभग लगभग चिकनगुनिया और डेंगू के मरीज आने बंद हो गए। ये बड़ी खुशी की बात है दिल्ली वालों के लिए, लेकिन ऐसा लगता है मोदी जी दिल्ली वालों की इस उपलब्धि से नाखुश हैं। वो नहीं चाहते कि दिल्ली वाले किसी तरह से खुश रहें और उन्होंने इस पूरे मिशन को, इस डेंगू चिकनगुनिया के खिलाफ जो लड़ाई है उसको कमज़ोर करने, उसको फेल करने में लग गए हैं। साथियों, डेंगू चिकनगुनिया की लड़ाई में जो सबसे महत्वपूर्ण फैक्टर होता है वो होता है कि समय पर जो डेंगू रोकथाम के जो कर्मचारी होते हैं वो पूरी दिल्ली के अंदर दवाओं का छिड़काव करते हैं, हर गली, हर बड़े बड़े नाले में, जिससे डेंगू और चिकनगुनिया पैदा ना हो सके वहाँ पे जाके वो दवाओं का छिड़काव करते हैं। बस इस साल पहली बार एमसीडी के इतिहास में, पहली बार मोदी जी के नेतृत्व वाली एमसीडी के इतिहास में पहली बार ऐसा हो रहा है कि इस साल डेंगू और चिकनगुनिया के मच्छरों को मारने की जो दवा है वो दवा खरीदी ही नहीं गई, उसका टेंडर तक नहीं जारी किया गया, उसके टेंडर के प्रचार के लिए जो कुछ भी तैयारी होती वो भी नहीं किया गया। मतलब इस साल मोदी जी ने ये तय कर लिया है कि दिल्ली वालों को फिर से 2014-2013 वाली जो स्थिति है, डेंगू और चिकनगुनिया की जो स्थिति पहले थी उसमें धकेला जाए। साथियों, आपको ध्यान होगा 2017 में 577 केस आए थे, 2018 में 473 केस आए, 19 में 713 बहुत ज़्यादा केस आए थे, 20 में बड़ा कंट्रोल किया गया, सिर्फ 225 केस आए, 2021 में सिर्फ 160 केस आए और 2022 में अभी तक सिर्फ 33 केस आए। लेकिन ऐसा लगता है कि मोदी जी ने तय कर लिया है, क्योंकि अगर अगले कुछ दिनों के अंदर दिल्ली के, क्योंकि बारिश चल रही है, बारिश का पानी इकट्ठा हो रहा है, इकट्ठा होगा, कुछ दिन इकट्ठा होने के बाद वहाँ से डेंगू, चिकनगुनिया, इस तरह के मलेरिया के मच्छर वहाँ से पैदा होंगे और पैदा होकर वो रोग को बढ़ाएंगे। ऐसे क्रूशल टाइम में मोदी जी को राजनीति सूझ रही है। मोदी जी अपनी एमसीडी के माध्यम से जो उनका धर्म है, जो उनका काम है, वो काम नहीं कर रहे हैं। मोदी जी ने इस बार मच्छरों को मारने की दवा दिल्ली के अंदर नहीं खरीदी, जिससे दिल्ली वालों की जान को एक बहुत बड़ा खतरा हो सकता है। हमारी मांग है कि मोदी जी से कि आप दिल्ली वालों से ये दुश्मनी मत करो, आप दिल्ली वालों से इस तरह की दुश्मनी मत निभाओ, आप तुरंत डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया की जो दवा है
उस दवा को आप तुरंत खरीदें, और अब तो बहुत लेट होते चले जा रहे हैं, अगर बहुत तत्काल प्रभाव से इसके ऊपर काम नहीं किया गया तो हो सकता है दिल्ली के अंदर फिर से 2013 और 2014 वाली स्थिति आ जाए। फिर ऐसी स्थिति अगर पैदा हुई तो पूरी दिल्ली के लोग मोदी जी को माफ़ नहीं करेंगे। तो मेरी मोदी जी से हाथ जोड़कर विनती है कि राजनीति छोड़ दें, केजरीवाल से नफरत जो है उनकी उसको भूल जाएं थोड़ी देर के लिए। जो केजरीवाल जी से डर है और उस डर के कारण जो इस तरह की वो हरकतें कर रहे हैं, इसको बंद करें और दिल्ली वालों का जो हक है वो उन्हें दिया जाए। और अधिक खबरों के लिए आप हमारे YouTube चैनल दैनिक इंडिया दर्पण को अभी सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।